हे गाइज वेलकम बैक टू न्यू एस्ट्रो फोटोग्राफी वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मिल्की वे कैप्चर करके दिखाने वाला हूँ अपने स्मार्टफोन के जरिए, और जो जो लोग भी मिल्की वे कैप्चर नहीं करना जानते मैं उन्हीं के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस समय हमारे जो एरिया का वेदर कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रहा है। आप खुद देखिए, ये दिखाता हूँ मैं आपको, हमारे ऊपर देख रहे हैं, देख सकते हैं कितने ढेर सारे क्लाउड्स हैं हमारे ऊपर। मैं आपको दूसरे एंगल से भी दिखाता हूँ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे इतने ढेर सारे क्लाउड हैं, और ये क्लाउड करीब 5 दिन से सेम ऐसे ही बने हुए हैं, पूरा मूड खराब हो चुका है। हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी को कैप्चर करेंगे, लेकिन ये वेदर ने पूरा दिमाग खराब कर दिया। लेकिन दोस्तों जब वेदर सही हो जाएगा मैं आपको एंड्रोमेडा और मिल्की वे साथ में कैप्चर करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप मेरी ओल्ड वीडियो देखिए जो कि काफ़ी गजब की मैंने मिल्की वे कैप्चर करा हूँ अपने वीडियो के अंदर, तो देखना और बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो फाइनली दोस्तों मॉर्निंग टाइम हो चुका है, अभी सुबह के बज रहे हैं, 4:36 AM हो रहा है। मैं आपको गूगल से भी दिखा दे रहा हूँ अगर आपको यकीन ना हो तो। व्हाट इज़ द टाइम राइट नाउ इन इंडिया? द टाइम इन इंडिया इज 4:36 AM ऑन थर्सडे। तो गाइज आप लोग ने यहाँ पर देखा 4:36 AM हो रहा है मॉर्निंग के, और हम मिल्की वे कैप्चर करके दिखाने वाला हूँ जो कि जस्ट हमारे सामने है, और काफ़ी गजब का आपको लुक आ रहा होगा देखने में। अभी तो नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं आपको कैप्चर करके दिखाता हूँ तो एक नंबर का आपको व्यू देखने को मिलेगा, और आप लोग भी कैप्चर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब कैप्चरिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ट्राइपॉड एकदम रेडी है, बस अपने स्मार्टफोन को इसके ऊपर माउंट करना है। देयर इज़ द मिल्की वे, हियर इज़ द आवर स्मार्टफोन। देन अब आपको मैं बताता हूँ कैसे आपको मिल्की वे कैप्चर करना है, और उसके लिए आपको क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको प्रो मोड खोल लेना है या मैनुअल मोड खोल लेना है, जो भी आपको मन करे, ठीक है। प्रो मोड और मैनुअल मोड खोलने के बाद, ठीक है, आप लोग अपना जो ISO है, ठीक है, उसको 3200 पे कर लीजिए। शटर स्पीड को एकदम मैक्सिमम कर लीजिए, फोटो इन्फिनिटी पे होना चाहिए, ठीक है, और जो वाइट ब्राइटनेस है उसको ऑटो पर रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर आप 48 भी लगा सकते हैं और 48 ना भी लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 डॉट पे जाइए, 3 डॉट पे जाने के बाद टाइमर लगा लीजिए और फिर शटर बटन पे क्लिक कर दीजिए। फाइनली दोस्तों हम लोगों का जो कैप्चरिंग था वो एंड हो चुका है। अब मैं आपको मिल्की वे का फोटो दिखा देता हूँ। ये देखो हमारी मिल्की वे आपको दिख रही होगी, ये दिख रहा है, ध्यान से देखिए, ये हमारी मिल्की वे आपको दिख रही है, ये देखिए एक नंबर का व्यू आ रहा होगा आपको फोन में भी। मैं आपको ये जो फोटो है ना स्क्रीन पे लगा के दिखाता हूँ। आवर स्मार्टफोन दोस्तों हमारा जो Redmi Note 7S है, हम लोगों ने इसी से मिल्की वे कैप्चर करा है जो कि काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट दिया है, और आप लोगों ने भी देखा काफ़ी गजब की फोटोज़ भी आई, और मैं आपको ये भी बता दिया कि आपको मिल्की वे कैसे कैप्चर करना है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गाइज मैं जितनी भी फोटोज़ खींचा था यहाँ पर है, सारी मिल्की वे की ये फोटो है, और मैं अब आपको इसको एडिट करके दिखाऊंगा। सो गाइज मैं आपको एडिट करने के लिए दो एप्लीकेशन रेकमेंड करूंगा, पहला है Lightroom, दूसरा है Snapseed। ये दोनों एप्लीकेशन से बहुत ही अच्छा आपका मिल्की वे एडिट हो जाएगा। तो सबसे पहले Lightroom में चलते हैं। ये जैसे मैं एक मिल्की वे की फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हूँ, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाना घटाना है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना घटाना है, ठीक है। तो मैं आपको एडिटिंग के बाद मिलता हूं। आपको फोटो कैसी लगी मिल्की वे की? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और पहली बार विजिट कर रहे हो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।